कि दैट हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज आवर कंप्यूटर, हाउ वी कैन डिवाइड आवर कंप्यूटर इनटू डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस. ठीक है, तो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, के इसके अंदर हार्डवेयर के क्या पार्ट्स थे, सॉफ्टवेयर के क्या पार्ट्स हैं, हार्डवेयर के आगे क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, या इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें. ठीक है, नाउ बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट वी कैन बेसिकली परफॉर्म थ्री ऑपरेशंस बाय यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तीन फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट वन है इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस. जब भी आपने किसी कंप्यूटर से डाटा लेना होता है तो आपको कौन सी डिवाइसेस चाहिए, इनपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं. ठीक है, आपको कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं. अगर आपके सिस्टम में एक कीबोर्ड ही नहीं है या माउस ही नहीं है तो आपका सिस्टम आपको डाटा परफॉर्म दे ही नहीं सकता. ठीक है, दैट इज वाई यू नीड टू इनपुट डिवाइसेस टू इनपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग थ्रू सीपीयू. अब जब आपको इनपुट आप कंप्यूटर को दे दिया है, मतलब टाइपिंग आपने कर ली है, अब उस टाइपिंग पे कोई प्रोसेसिंग होनी है, कोई काम होना है, कोई गूगल पे सर्च करना है अगर आपने, तो आपने टाइप तो कर दिया, अब सीपीयू का काम होगा कि उस चीज को उसने प्रोसेस करना है, उसे चलाना है, उससे देखना है कि ये जो यूजर ने मुझे चीज दी है उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्यों उसने मुझे ये चीज दी है. ठीक है, तो उससे सारा क्या होगा, कौन वर्किंग करेगा, आपका सीपीयू वर्क करेगा. थर्ड स्टेप में क्या होता है, आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट जब आपकी वर्किंग हो जाती है तो कंप्यूटर आपको कोई ना कोई रिजल्ट भी जनरेट करता है, तो जो रिजल्ट जनरेट करता है वो बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस आपको रिजल्ट मिल रहा होता है. ऑल राइट, अब ये देखो ब्लॉक डायग्राम भी उसने बनाई हुई है, इनपुट और नीचे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस, फिर प्रोसेसिंग हो रही है जो कि सीपीयू कर रहा है, और उसके बाद आपकी आउटपुट जनरेट हो रही है जो कि आउटपुट कहाँ से आ रही है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस से आ रही है. ठीक हो गया. The computer takes raw data and processes it to give result. Computer क्या करता है, आपसे raw data लेता है. Raw data का मतलब होता है कि वो data जिसकी कोई समझ नहीं है, मतलब कोई irrelevant data है, उसने बाद में उस data को वो filter out करता है, उसे check करता है कहाँ पर कौन सी चीज adjust होनी है. ठीक है, and processes it and to give results. Result देने के लिए फिर वो उस data को process करता है कि मैंने required result जो है वो user को देना है. ठीक है, next है इनपुट डेटा इज फेड इन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट इज गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेज. तो इनपुट कहाँ से आती है, इनपुट डिवाइसेज से, और आउटपुट इज गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेज. वही बात जो उसने ऊपर बताई, अगेन वो यहीं पर वही बात बता रहा है. ठीक है, सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर नंबर वन, दैट वट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर वन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अच्छा, अब है कंप्यूटर बीइंग अ मशीन डज नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन. वो कहते हैं कंप्यूटर एक मशीन के तौर पर खुद से काम नहीं कर सकती. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. जैसे कि ह्यूमन काम कर लेते हैं, इंसान हम काम करते हैं, कंप्यूटर ऐसे काम नहीं कर सकता. इट विल डू ओनली व्हाट इट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू. वो सिर्फ वही चीज करेगा जिसके बारे में हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने ये चीज परफॉर्म करनी है, इस चीज को ओपन करना है, इसे क्लोज करना है. जो चीज हम उसे कहेंगे सिर्फ वही चीज को ओपन करता जाएगा या क्लोज करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसे देंगे. इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि रिक्वायर्ड कंप्यूटर से परफॉर्म करवा सके. These instructions are given to the computer in the form of programs. अब इन instruction को हम computer में programs की form में देते हैं. मतलब हम कहते हैं कि paint का program open कर लो या Microsoft Word का program कर लो. तो ये सारे programs होते हैं. इन programs का मतलब ये सारी instructions होती हैं जो हम हमारे लिए instructions consisting of more programs to carry out a particular task is called a software. ठीक है, अब वो Here they are telling about the definition of software. Software की exact definition वो बता रहा है कि set of instructions, ऐसी instructions consisting of one or more programs, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा programs हो, to carry out a particular task. कोई एक specific task perform करने के लिए अगर instructions हम computer को दें तो उसे हम क्या कहते हैं, एक software. Okay, so this is the definition of software. ठीक हो गया. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम.
अब कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है आपका फॉर द फुली फंक्शनिंग वर्किंग ऑफ योर सिस्टम. अ वास्ट वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू गेट द कंप्यूटर टू डू अ वैरायटी ऑफ टास्क. अब वो कहते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं अपने डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए. अब देखो, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आपने कुछ टाइप करना है उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, अगर आपने कोई रिजल्ट बनाना है उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए. तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स है वो चेंज होती रहती है कि किस तरह का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए. These software are broadly classified into two categories, namely system software and application software. अब वो कहते हैं इन सॉफ्टवेयर की टाइप्स को हम दो तरीके से सॉफ्टवेयर की टाइप्स को डिवाइड करते हैं, एक हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, साइड बॉक्स देखें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. वही डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई थी वो उसने साइड बॉक्स में भी लिख दी और ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है. ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस एज वेल एज वायर्स केबल्स पावर सप्लाई सर्किट एटसेट्रा ऑल कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवेयर. अब वो कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उसके अंदर आपकी सारी इनपुट डिवाइसेस भी आ सकती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी आ सकती हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस भी आ सकती हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो ये सारी आपकी फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे ह्यूमन बॉडी का आपकी आईज है, आपकी नोज है, आपके ईयर्स है, इन सबको हम टच कर सकते हैं ना, नोज को, ईयर्स को. तो ये सारी आपके फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हुए जिनको हम टच कर सकते हैं, वायर्स होती हैं, केबल है, आपकी सीपीयू के सीपीयू है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, इन सारी चीजों को भी हम टच कर सकते हैं. तो दीज ऑल आर नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, और ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को अगर हम मिला लें तो ये मिलाकर एक पूरा हार्डवेयर का सिस्टम बनाती हैं. ठीक है, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं. ऑल द पार्ट्स दैट वी कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर. ओके, moving towards the next page, open page number 6. You will learn more about these in the next chapter. अब वो कहते हैं application software और system software और application software, you will study more about these two softwares in your next chapters. अच्छा, अब वो hardware की definition बता रहे हैं. The physical components of a computer that perform input, computation, storage and output functions are termed as hardware. हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि आपसे इनपुट पर, जो कि जहां से आप इनपुट दे सको उस इनपुट पर आपकी कंप्यूटेशन हो, मतलब उन्हें सॉल्व करो उस इनपुट को, उसमें स्टोरेज हो, मतलब आप उसमें से डाटा सेव भी कर सकते हो और उनसे आउटपुट भी जनरेट करो. तो ये सारी जो चीजें है ना, इनको हम मिलाकर आर टर्म्ड एज हार्डवेयर. ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क बट ओनली एज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर. अब वो कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस जो कंप्यूटर हार्डवेयर की होती हैं वो कैपेबल होती हैं कि हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकें बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें. ठीक है, बाय यूजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस. Next, देखें, it can be said that computer hardware is the engine and software is the fuel used to operate the engine. अब उसने बड़ी अच्छी यहाँ पर एग्जाम्पल दी है. वो कहते हैं कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है ना, ये आपकी को, अगर कोई गाड़ी की हम एग्जाम्पल लें तो गाड़ी के लिए इंजन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पेट्रोल इंपॉर्टेंट है. गाड़ी के में अगर इंजन होगा और पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. सेम इसी तरह अगर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर तो है, मतलब फिजिकल पार्ट्स है, माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, आपके पास सारा कुछ है, मगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है या आपके पास उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं हुए हुए, तो फिर आप क्या चलाओगे सिस्टम पे, कुछ भी नहीं चला सकते. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एज अ फ्यूल काम करते हैं और हार्डवेयर जो होता है ये आपका एज अ इंजन काम करता है. ठीक है,
The hardware devices that are connected directly to the computer are said to be online devices, whereas the devices used separately and not connected to the computer are termed as offline devices. वो कहते हैं जिन हार्डवेयर डिवाइसेस को मतलब कीबोर्ड माउस इन सारी चीजों को हम साथ अटैच करते हैं कंप्यूटर के तो फिर ये वर्क करती हैं. तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं इनको हम ऑनलाइन डिवाइसेस भी कहते हैं और जिनको हम कंप्यूटर के साथ नहीं लगाते बगैर उनके भी हमारा काम चल जाता है. जैसे कि यूएसबी है हम उसे साथ नहीं लगाते कब जब जरूरत पड़ती है सिर्फ तभी हम उसे अटैच करते हैं. तो उस तरह के डिवाइसेस को वी कैन से दैट दीज आर द ऑफलाइन डिवाइसेस. ठीक है. Next is hardware devices operating in a computer system are categorized into input devices, output devices, storage devices and central processing devices. अब hardware devices को different वो categories में divide कर रहे हैं. उसके अंदर आपकी input devices भी आ रही हैं, output भी आ रही हैं, storage भी आ रही है और CPU की सारी devices भी आ रही हैं. Input devices, output devices and secondary storage devices together are called the peripheral devices. अब आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन सारों को अगर मिला लो तो ये मिलाकर हम इन्हें कहते हैं दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है. अब ब्लॉक सिस्टम के पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए देखो मेन आपका कंप्यूटर है. अब आगे से आपका कंप्यूटर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. एक आप आगे से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर के आगे से डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अब हार्डवेयर में आपकी इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं, सीपीयू आ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस आ रही हैं और स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं, ये सारी. और सॉफ्टवेयर में आपके दो तरीके के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो कि अभी हमने पहले भी पढ़े, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक फ्लो डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. आज हम यहीं तक बस पढ़ेंगे. साइड बॉक्सेस देखो पहले. अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर बोथ एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ईदर ऑफ देम इज यूजलेस विदाउट द अदर. वो कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इफ एनी वन ऑफ देम फेल्स देन योर सिस्टम इज द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली. सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पर. अगर सॉफ्टवेयर होगा और हार्डवेयर नहीं होगा, कीबोर्ड ही नहीं है आपके पास तो कैसे टाइपिंग करोगे, या माउस ही नहीं है तो कैसे क्लिक करोगे. ठीक है ना. तो सॉफ्टवेयर भी इतना इंपॉर्टेंट है और हार्डवेयर भी इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टुगेदर आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. अब इन तीनों चीजों को मिलाकर इनपुट डिवाइसेस को भी, आउटपुट को भी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नल आपकी डिवाइसेस होती हैं, उन सारों को मिलाकर अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि सारी डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके. Now, if you are having any questions in these two pages, you can ask. Okay? Please raise your hand if you want to ask.